नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी का नाम है भानगढ़ में मूवी की शूटिंग। तो देखिए, भानगढ़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। विक्रम सिंह नाम का एक डायरेक्टर होता है जो अपने समय का एक काफी पॉपुलर चेहरा होता है। 1980s और 2000 के बीच में उसने करीब 20 से ज़्यादा सुपरहिट मूवीज दी थी। लेकिन आज 2018 हो चुका है, अब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। आजकल की जो नई जनरेशन है, विक्रम सिंह को नहीं जानती। हाँ, ये जरूर जानती है कि एक अच्छा डायरेक्टर था, लेकिन उसके बाद 2000 के बाद उसकी लगातार 6-7 मूवीज पिट गई थी। उसके बाद उसने मूवी बनाना छोड़ दिया था। अचानक से 2018 में उसको फिर से ऐसा महसूस होता है कि जो विक्रम सिंह 1980s और 2000 के बीच में था, उसे उस विक्रम सिंह को फिर से जगाना है। और इसके लिए वो एक अच्छी मूवी के स्क्रिप्ट को सोचने लग जाता है। विक्रम सिंह की वाइफ का नाम है रीना, जो अपने समय की एक सुपरस्टार रह चुकी है और आज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान है नए लोगों से, नए प्रोड्यूसर से, नए जनरेशन के एक्टर से। तो क्योंकि वो बहुत सारे शोज वगैरह में, डांस शोज, रियलिटी शोज में जाती रहती है, वो विक्रम को कहती है कि अगर तुम कहोगे तो मैं प्रोड्यूसर्स ला सकती हूँ, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। विक्रम विक्रम बोलता है, ठीक है, मैं एक फाइनल कोशिश करना चाहता हूँ। इसी सोच में जब विक्रम एक बार किसी पब में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है माला से। माला जो है वो राजस्थान की लड़की है और उसकी उम्र करीब 30-32 साल है। वो एक टूरिस्ट गाइड की तरह काम करती है और किसी कारण से वो दिल्ली में आई हुई थी फंक्शन में। अब वहाँ उसकी मुलाकात विक्रम सिंह से हो जाती है और विक्रम सिंह से वो थोड़ी बातें करने लग जाती है। बातों बातों में माला जो है वो बताती है कि विक्रम सर, आपकी मूवीज आए हुए काफ़ी समय हो गया है और मुझे आपकी जो हॉरर मूवीज आप बनाते थे वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाकी एक्शन मूवीज में तो आपका कोई जवाब नहीं, लेकिन हॉरर मूवीज आई थिंक आप बहुत ही अच्छा बनाते थे। विक्रम सिंह का इंटरेस्ट जाग जाता है हॉरर मूवीज पर और वो पूछता है, हॉरर मूवीज आपने कितनी हॉरर मूवीज देखी है और आजकल की जो जनरेशन है उसको कैसी हॉरर मूवी पसंद है? वो कहती है, देखिए मैं वैसे जो आपने बनाई थी, जितनी भी खूनी दरवाजा, कफन के नीचे और ऐसे ऐसे जितनी भी मूवीज मूवीज आपने बनाई थी, वो मुझे सारी मूवीज पसंद आई थी, लेकिन आज तक किसी ने भानगढ़ किले पर मूवी नहीं बनाई है। अगर आप कहो तो मैं एक बात बोलूं। वो कहता है कि हाँ बताओ, मेरे हिसाब से आपको एक भानगढ़ पर मूवी बनानी चाहिए, भानगढ़ तो आपको पता ही होगा। विक्रम बोलता है कि हाँ, मुझे क्या नहीं पता, भानगढ़ एशिया का सबसे डरावना जगह है और वहाँ पर तो इवनिंग में आप मूवी की शूटिंग भी नहीं कर सकते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है माला। तो माला बोलती है कि सर, मेरी वहाँ पर जान पहचान अच्छी है क्योंकि मैं लोकल टूरिस्ट गाइड का जॉब भी करती हूँ, तो मुझे उस एरिया का अच्छा खासा आइडिया है। अगर आप कहोगे तो मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, बाकी आप अरेंजमेंट, मूवी की शूटिंग, प्रोड्यूसर और ये सब चीज़ें आप देख लो। अगर आप कहोगे तो फिर आई कैन हेल्प इन गेटिंग द परमिशन। विक्रम काफ़ी सोच में पड़ जाता है। उसे सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है क्योंकि जितने भी उसने सुपर हिट दिए थे उसमें से 25% उनकी हॉरर मूवीज थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। उसने डिसाइड किया, क्यों ना मैं एक मूवी बनाऊं और वो हॉरर थीम पर ही बनाऊं, कितना अच्छा लगेगा। वो विक्रम सिंह का कमबैक और नन अदर देन भानगढ़, क्योंकि भानगढ़ दोस्तों इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस है, तो यहाँ पर उसको बाय डिफॉल्ट पब्लिसिटी मिल जानी थी। वो घर जाता है और रीना से डिस्कस करता है। रीना को आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि अगर मूवी बनानी है तो आप एक नया सेट तैयार कर लो, प्रोड्यूसर्स वैसे भी आपको पैसे दे देंगे, मैं दिलवा दूंगी, मैं बात कर लूंगी कुछ प्रोड्यूसर से।
तो आप कहीं पर भी एक लोकेशन क्रिएट करके मूवी की शूटिंग कर सकते हो। लेकिन विक्रम सिंह के अंदर जुनून सवार था। उसने कहा, नहीं, मैं मूवी अगर बनाऊंगा, ये मेरा कमबैक होगा और मैं इसको इतनी डरावनी मूवी बनाऊंगा कि आज तक के इंडियन इतिहास में ऐसी मूवी, ऐसी डरावनी मूवी नहीं बनी होगी। रीना के मना करने के बावजूद विक्रम सिंह कहानी पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि कहानी भी वो स्वयं खुद से ही लिखता है। आज तक जितनी भी मूवीज बनाई है, उसने कहानी खुद से लिखा है, डायरेक्शन भी खुद से किया है। अब कहानी पे वो काम करना शुरू कर देता है और माला से वो लगातार मिलता रहता है। माला और उसके बीच में कम से कम 1 महीने लगातार मीटिंग्स होती है और फाइनली विक्रम सिंह अपने स्क्रिप्ट को तैयार कर लेता है। अब इसी बीच में रीना ने कुछ प्रोड्यूसर से बात कर ली होती है और विक्रम सिंह को 2-3 अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं। तो अब सब कुछ तैयार हो चुका था और विक्रम सिंह अपनी पूरी टीम को लेकर भानगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं। मूवी में जिस एक्ट्रेस को लिया गया था, उसका नाम है अनीता और जो एक्टर है उनका नाम है अनवर। तो अनवर, अनीता, माला और विक्रम सिंह प्लस और जितने भी क्रू मेंबर्स थे, वो सभी दिल्ली से निकल पड़ते हैं भानगढ़ की तरफ। भानगढ़ पहुंचने के पहले वो चाय वाय पीने के लिए एक जगह रुकते हैं और वहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनसे बात करने लगते हैं और पूछते हैं कि भाई ये भानगढ़ कैसी जगह है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि भानगढ़ आप क्यों जा रहे हो, और फिर क्रू मेंबर्स बताते हैं, हम यहाँ पर तो मूवी की शूटिंग करने जा रहे हैं। उसमें से गांव वाला एक बंदा था जो कहता है कि आप वहाँ मूवी की शूटिंग मत करो, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ लोग वहाँ पर गए थे, 3 लोग रात में गए थे और उसके बाद तीनों मतलब नहीं बचे थे। तो कुछ तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ शायद भूत प्रेत रहते हैं और वहाँ जो पहले जमाने में जो लोग रहते थे उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। तो ऐसी बातें सुनकर क्रू मेंबर्स जो थे वो काफी डर जाते हैं और वो ये बातें गाड़ी में विक्रम सिंह को बताते हैं। विक्रम सिंह को जब पता चलता है कि क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा डर चुके हैं, तो वो उनके सामने जाकर एक बात बोलता है कि देखो, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें भानगढ़ की स्टोरी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे भी अगर आप यहाँ से जाना चाहो भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 1.5 महीने तक आप मेरे साथ काम करोगे बिना किसी इशू के। तो आप चाहो तो भी इस मूवी को छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये एक कहानी है रानी रत्नावती की और एक शैतान की, और कैसे भानगढ़ जो था एक अच्छा खासा राज्य था, एक अच्छा खासा प्रजा थी वहाँ पर, वो सारी प्रजा खत्म हो जाती है। एक छोटा सा युद्ध होता है, पहले तांत्रिक को मार दिया जाता है रानी रत्नावती के द्वारा, और फिर एक लड़ाई होती है जिसमें लोग मारे जाते हैं। तो आपको ऐसी स्टोरी तो कई सारी मिलेंगी। बट सर, आपको तो पता होगा कि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी मना किया है। तो तभी माला बोलती है, डरिए मत, मैं हूं ना, मैं इंतजाम कर चुकी हूँ, शाम के 5 बजे तक हम शूटिंग करेंगे, 5 बजे के बाद हम लौट जाएंगे। और वो माला फिर विक्रम सिंह को देखती है, विक्रम सिंह हंसने लगता है। अब ये क्या बात थी माला सिंह और विक्रम सिंह की, ये हमें आगे आपको बताऊंगा। तो फिर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जानने के बाद भी कि वो जगह सही नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, लोगों को रोने की आवाज़ आती है, वहाँ पे अजीब सी गंध आती है, फिर भी सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मूवी की शूटिंग करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद लोकेशन को अच्छे से समझने के बाद विक्रम सिंह वहाँ पर मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग की जो शूटिंग्स होती है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, शूट काफ़ी अच्छा होता है, जितने भी एक्टर्स होते हैं, स्टोरी लाइंस होती है, वो अच्छे से चल रही होती है। लेकिन अचानक से जो अनीता, जो एक्चुअल में रानी रत्नावती की एक्टिंग कर रही होती है मूवी में, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है।
विक्रम काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रानी रत्नावती की जो एक्टिंग अनीता कर रही है वो मेन पात्र है, और यहाँ पर अगर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो शायद हम मूवी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 1.5 महीने का ही हमें परमिशन मिला था, ये विक्रम जानता था। माला कहती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, काफी अच्छा डॉक्टर है, यहीं के आसपास एरिया से मैं बुला लाती हूँ। और वो जो डॉक्टर है वो आ जाता है और वो अनीता को दवा दे देता है, सही दवा दे देता है और उपचार कर देता है। 1-2 दिन में अनीता वापस ठीक हो जाती है और मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच विक्रम सिंह रीना से बात करता है, अपनी वाइफ से, और बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से अनीता को उल्टियां आने लगी और उसको अजीबोगरीब चक्कर भी आ रहे थे। तो रीना पूछती है कि क्या तुमने वहां पर पूजा किया था, जो वहाँ पर 2-3 मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, गणेश जी है, आपको वहाँ पर पूजा करना चाहिए था मूवी शूटिंग से पहले, और अगर पॉसिबल है तो आप हर दिन पूजा करो। विक्रम कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, पूरी मूवी मुझे 1.5 महीने में कंप्लीट करनी है और ये 1.5 घंटे की मूवी मैं बना रहा हूँ, और मूवी में मुझे हॉरर सीन्स अच्छे खासे दिखाने हैं, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूजा पाठ करूं और 2-3 घंटे मैं अपने क्रू मेंबर्स को भेज दूं, एक्टर्स को भेज दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। रीना रीना को अच्छा नहीं लगता और वो फोन काट देती है। अंदर ही उसके मन में कुछ चीजें चलती है, और क्योंकि देखो भानगढ़ के बारे में स्टोरीज ऑलरेडी सभी को पता थी कि वो अच्छी जगह नहीं है। अब विक्रम सिंह को कौन समझाए, वो मूवी को कंटिन्यू करता है। तबीयत खराब रहती है अनीता की, लेकिन फिर भी वो उस मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू करता है। धीरे धीरे मूवी की शूटिंग चल रही होती है, कंटिन्यू होती रहती है, और वो 1 महीना बीत जाता है। अब बात आती है मूवी के कुछ ऐसे सीन्स की शूटिंग जो सिर्फ रात में ही पॉसिबल थी, और यहाँ पर विक्रम सिंह माला को कहता है कि अब वो समय आ गया है माला, जब हम रात में शूटिंग करेंगे। माला हंसती है और बोलती है कि हाँ, अब यही समय है कि हम जो अच्छे सीन्स हैं मूवी के, क्लाइमेक्स सीन्स हैं, उसकी शूटिंग करना शुरू कर दे। इन 2 हफ्तों में हम इसकी शूटिंग करेंगे, और क्रू मेंबर्स को इन लोगों ने नहीं बताया था। जब क्रू मेंबर्स को पता चलता है, अनवर को पता चलता है, तो अनवर लड़ाई करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अनवर ने भी इतने दिन, 1 महीने जब शूटिंग की थी, उसको अजीबो गरीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और जब भी वो सेट से हमेशा लौटता हुआ जाता था तो एक थैंक यू की आवाज़ आती थी, कोई रोते हुए थैंक यू बोलता है, ऐसी आवाज़ अनवर को आती थी। तो अनवर डायरेक्टली मना करता है कि मैं रात में शूटिंग नहीं करूँगा, इवन इवनिंग में मुझे कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है तो मैं तो शूटिंग नहीं करूँगा। फिर विक्रम सिंह अनवर को कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जो मैंने पैसे देने का वादा किया है मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, और यही चीज़ वो सभी क्रू मेंबर्स को कहता है। सभी डरे हुए तो होते हैं लेकिन पैसे, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, कि अब बस 2 हफ्ते, जब 1 महीने हमें कुछ नहीं हुआ तो अब 15 दिन में क्या हो जाएगा, और यह सोचकर सभी एक्टर और क्रू मेंबर्स रेडी हो जाते हैं मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू करने के लिए रात में। और रात में ये शूटिंग स्टार्ट होती है। अनीता की क्योंकि तबीयत ऑलरेडी 1 महीने में धीरे धीरे डाउन हो चुकी है, अब उसे खतरनाक सीन करना है, तो मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और क्लाइमेक्स सीन शुरू हो जाता है। अनीता गेटअप में आ चुकी है और उसे इस रास्ते से दूसरे रास्ते तक पायल पहनकर चलना है। जब वो चलने लगती है और आगे बढ़ती है तो अचानक से वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। विक्रम सिंह कहता है, क्या हुआ अनीता, आगे कंटिन्यू करो, फटाफट करो, हमारे पास समय नहीं है। तो अचानक से वो विक्रम की तरफ घूमती है और बोलती है, चले जाओ तुम सब, वरना मैं इस लड़की को खा जाऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सभी डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये एक्ट कर रही है, ये थोड़ी सी दिमाग से कमजोर हो गई है। लेकिन उसमें से एक क्रू मेंबर बोलता है, सर ये मैंने कल भी सुना था, ये कल ऐसा ही कुछ बोल रही थी, ये पागल हो गई है सर ये। तो दूसरा क्रू मेंबर बोलता है, नहीं ये पागल नहीं हुई है, ये सच में इस पे भूत आ गया है। माला वहां पहुंच जाती है और वो अनीता को चुप कराती है। वो बोलती है, अनीता कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करो रिलैक्स करो,
कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से अनीता को होश आता है और बोलती है कि अरे क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्या हो गया था। माला बोलती है कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, हम फिर से शूट को स्टार्ट करते हैं। शूट फिर से वहाँ से स्टार्ट होता है और वो फिर से चलती है, और चलने के बाद फिर से उसका सीन आता है। वो तांत्रिक को ये बोलती है कि तांत्रिक अब तुम्हारा विनाश तय है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, सैनिकों इसे मार डालो। इस सीन को जैसे ही अनीता करती है वापस, अचानक से बोलते 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 अनीता चुप हो जाती है और बिल्कुल ऐसे करके वो स्टिल हो जाती है, उसे कुछ बोला नहीं जाता। विक्रम फिर से गुस्सा हो जाता है और वो इस टाइम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सीधा अनीता को बोलता है कि तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए क्या, तुम क्या चाहते हो, मेरी शूटिंग खराब कर रहे हो, मेरी मूवी खराब कर रहे हो, 1 महीने की शूटिंग हो गई, अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, अनीता प्लीज मेरी मूवी की शूटिंग अच्छे से हो जाने दो। अनीता बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले से ही बोला था इस मूवी की शूटिंग नहीं करो, इस लड़की को खा जाऊंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम इसको ले जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को खा जाऊंगी, वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, वो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और अचानक से तभी रोने की आवाज आने लगी, पूरे आसपास के एरिया में रोने की आवाज आने लगी, ऐसा लग रहा था कई सारे लोग रो रहे हैं, कम से कम 10-15 लोग रो रहे हैं, जो पहली बार विक्रम भी डर जाता है। लेकिन एक लड़की थी जो आज भी नहीं डर रही थी, वो थी माला। विक्रम माला के पास जाता है और माला को कहता है माला ये क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे ही तुम्हारे हिसाब से मैंने स्टोरी बनाई थी और मैं उसी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे रियल लग रहा है, तो सच में कुछ ऐसा जरूर हुआ है और सभी लोग गलत नहीं है, मुझे पहली बार डर सा महसूस हुआ है। तो अचानक से माला हंसने लग जाती है। माला बोलती है तुम्हें क्या लगा कि मैं माला हूँ, मैं माला नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, और वो अचानक से गायब हो जाती है। सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, माला गायब थी, अनीता की तबीयत खराब थी, अनीता सुन हो गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोली जा रही थी। सभी ने फटाफट पैकअप किया, पैकअप करने के बाद वो वहां से रात में निकल जाते हैं और जो गार्ड होता है वो उन पे चिल्लाने लगता है तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तो विक्रम कहता है तुम्हें पता नहीं है, माला ने ही तो तुमसे बात की थी कि आज से हम रात में फिल्म की शूटिंग रात में करेंगे 10 दिनों के लिए। माला कौन सी माला, तुम लोगों को हमने सिर्फ परमिशन दिया है दिन में शूटिंग करने का, वो भी बड़े बड़े साहब जो है उनके परमिशन के कारण, वरना यहाँ कोई शूटिंग नहीं होती। कौन सी माला, कौन सी माला, माला बोल रहे हो तुम, कोई माला माला नाम की लड़की नहीं है, दिखाओ माला की फोटो दिखाओ। तो फिर विक्रम अपनी फोटो माला के साथ जो उसने खींची थी वो उसको दिखाता है, ये देखो ये है माला। लेकिन जब वो फोटो जब वो फोन पे गार्ड देखता है तो बोलता है ये तुम्हारी अपनी फोटो है, ये साथ में कौन है, कहाँ है, साथ में तो कोई नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो। वो अचानक से जब विक्रम देखता है तो परेशान हो जाता है, उसकी जो फोटो माला के साथ थी वो पिक्चर में नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था कि उसने खुद की सेल्फी ली है। उसने फटाफट सारी गैलरी में जितनी फोटोज है सारी देखना शुरू कर देता है, अरे ये क्या, ये सारी फोटोज तो मैं हर दिन देखता था माला के साथ, लेकिन इसमें तो माला है नहीं। वो क्रू मेंबर से पूछने लग जाता है तुमने माला, माला तुम जानते हो ना माला को। लोग कहते हैं नहीं सर कोई माला वाला तो है नहीं, आप ही ने कहा था कि भाई माला माला माला, आप हमेशा बोलते रहते हो माला के बारे में, लेकिन माला है कौन हमें क्या पता। अनवर बोलता है सर एक बार आपको याद है जब हम गाड़ी से यहाँ पे आ रहे थे तो आपने कहा था कि माला हमारे साथ चल रही है और माला ही हमें गाइड करेगी, उसने स्क्रिप्ट में मेरी बहुत मदद की है, पूरी की पूरी जो कहानी मैंने लिखी है इस बार पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है जिसमें 80% माला ने जो कहा है मैंने एज इट इज़ कहानी लिखी है, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कहानी उसने बताई थी। लेकिन वहाँ सर कोई थी नहीं लड़की माला, मुझे लगा कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप माला माला कर रहे हो, मे बी आप अपने स्क्रिप्ट में इतने डूब गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है, वो आप स्टोरी तो आप ही ने लिखी होगी सर। अब यहाँ पर विक्रम काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में खुद नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या करने वाला है, और वो कहता है चलो यहाँ से होटल चलते हैं। सभी लोग होटल चल जाते हैं और अब
अगले दिन सुबह सुबह विक्रम सिंह अपने कैमरामैन को बुलाता है और बोलता है कि मूवी की अब तक की जितने भी क्लिप्स हैं वो मुझे दिखाओ। और उस मूवी की क्लिप्स में जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं वो ये भी बोलता है कि मुझे ऐसे क्लिप्स दिखाओ जब मैं डायरेक्शन कर रहा था तो जहाँ मेरे साथ माला खड़ी थी। सभी लोग कहते हैं माला तो सर है नहीं कोई, बट फिर भी आपको हम दिखाते हैं। और सारी वीडियोज में ऐसा फील होता है कि जो विक्रम सिंह है एक आसपास में कोई है जिससे वो बातें कर रहा है लेकिन वो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि लोग विक्रम से इतने ज़्यादा डरे हुए थे और क्योंकि विक्रम ने उनको इतने सारे पैसे दिए हुए थे इसलिए किसी को हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि सर आप अचानक से मतलब किसी से बात कर रहे हो। और बेसिकली ये कभी हमेशा नहीं होता था दोस्तों, ये कभी कभी दिन में 2-3 बार होता था। दिन भर में 8-10 घंटे की शिफ्ट करने में 2-3 बार अगर डायरेक्टर कुछ ऐसा करे तो लोग तो यही सोचेंगे कि हो सकता है कि मूवी के बारे में इतना सोचने के कारण वो अपने आप से बात कर रहे हो। तो इसी कारण से किसी ने अभी तक विक्रम को ये नहीं बोला था वो खुद से बातें कर रहा है या वो आसपास किसी से बात करता है, माला नाम की लड़की से। तो अब यहाँ पर विक्रम सिंह समझ चुका था कि वो जो पब में लड़की मिली थी वो कोई लड़की रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो माला नाम की लड़की या तो उसके दिमाग का वहम थी या फिर कोई सही में किसी की आत्मा थी जो चाहती थी कि भानगढ़ पे ये मूवी बने। लेकिन वो मूवी भी कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर सबकी तबीयत खराब होने लग जाती है और अनीता के अंदर रानी रत्नावती की शायद आत्मा या किसी और की आत्मा आ जाती है जो फिल्म बनाने से उन सभी को रोक देती है। तो यहाँ पर मूवी को स्टॉप कर दिया जाता है और अनीता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ से वो लोग शहर दिल्ली वापस आ जाते हैं और करीब 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद अनीता रिकवर हो जाती है। इसके बाद उन सभी ने डिसाइड किया कि वहाँ पर एक बार फिर से जाए और जाकर सबसे पहला काम करे वहाँ की पूजा करे। तो सारी की सारी टीम वहाँ वापस जाती है और वहाँ पर सबसे पहला काम जो करती है वो वहाँ पर शिवलिंग की पूजा करती है, गणेश जी की पूजा करती है और जितने भी मंदिर वहाँ बने हैं वहाँ पर पूजा करती है। और फिर बाकी की जो मूवी की स्टोरी है वो मूवी की स्टोरी दिन में कंटिन्यू किया जाता है, शाम के 5 बजे तक पैकअप कर दिया जाता है। और इस मूवी को फिर से जब वो कंटिन्यू करते हैं विक्रम सिंह तो उनको महसूस होता है कि माला नाम की लड़की वहाँ अभी भी है जो चाहती है कि उस मूवी की शूटिंग हो। और ये जो कहानी जो है ये जो माला की कहानी है जो फाइनली इस मूवी के लास्ट में बतानी थी, जो रात में सीन करना था, उस माला की स्टोरी भी इस मूवी में होती है। माला बेसिकली रानी रत्नावती की दासी होती है और उसकी स्टोरी को भी इस मूवी में दिखाया जाता है। मूवी फाइनली कंप्लीट हो जाती है और थिएटर्स में आती है और इस बार अब तक की जितने भी हॉरर मूवीज बनी थी उन सभी हॉरर मूवीज में ये सबसे टॉप की हॉरर मूवीज बनती है। और लोगों तक ये बात पहुंचती है कि क्या हुआ था भानगढ़ में, क्यों रानी रत्नावती ने उस शैतान को मार दिया था और शैतान के श्राप के कारण कैसे ये पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो गया था। और इस कहानी में रत्नावती के साथ साथ उसकी जो दासी माला थी उसकी कहानी दिखाई जाती है, किस कारण से माला के कारण रानी रत्नावती की जान बचाई गई और वो उस शैतान से उस तांत्रिक से शादी करने से बच गई। और इस तरीके से माला की कहानी पूरे थिएटर में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और काफ़ी ज़्यादा इस मूवी ने पैसे कमाए और इस मूवी ने विक्रम सिंह को एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी मूवी शूटिंग एट भानगढ़ फोर्ट। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।